जहां एक तरफ एनसीपी अजीत पवार को मनाने की कोशिशें जारी रखे हुए है, वहीं अजीत पवार ने ट्विटर के जरिए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है। अजीत ने अपने हैंडल पर बायो को अपडेट करते हुए खुद को एनसीपी का नेता और महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम लिखा। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो एनसीपी में थे और रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शरद पवार ही उनके नेता हैं और बीजेपी एनसीपी गठबंधन अगले 5 साल तक राज्य को स्थिर सरकार देगा। उन्होंने आगे लिखा कि सब ठीक है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है।